हेलो एवरीवन, जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो नहीं खाता होगा वो भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएगा। आइए स्टार्ट करते बनाना। हमने आधा किलो पालक लिया है, इसको अच्छे से साफ करके धो के काट लिया है। इसको एक बर्तन में गैस पे चढ़ा दिया है। आधा गिलास पानी डाल के इसको थोड़ा सा बॉयल करना है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बता रहे हैं, इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब तक पालक बॉयल हो रहा है, आधा किलो पनीर भी मैंने लिया है। अब इसको काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। जितना बड़ा आपको रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी बता रहे हैं। हमने स्क्वायर शेप में काटा है, आप कोई भी आकार दे सकते हैं। हमने फैमिली के हिसाब से बनाया है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, हेल्दी रेसिपी है। दो प्याज लिए हैं बड़े बड़े, उसको काट लिए बारीक। तीन टमाटर हैं, लहसुन अदरक है, इसका पेस्ट बनना है। टमाटर को भी बारीक काट लेना है। हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्चा पाउडर। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चम्मच धनिया पाउडर। जब भी मसाले आप मिक्स करें पहले से थोड़ा सा फ्लो के रख देंगे तो अच्छा लगता है रेसिपी जो भी बनाएंगे। डायरेक्ट डाल देंगे तो जल जाते हैं मसाले। आधा चम्मच गरम मसाला, सबको जो है फुलो के रख देंगे। थोड़ा सा धनिया कम लग रहा था तो हमने और डाल दिया है ज़रा सा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ी देर इसको रख देंगे जब तक हमारा पालक पक रहा है। थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, ये जब तक फूल जाएगा। पहले के समय में जो है सिलबट्टे पे महिलाएं पीसती थीं इसको। इस समय जो है पिसा पिसाया मसाला आता है, मिक्सी जार चल गया है तो उस पर इंसान पीस लेता है। इस तरह से रख देते हैं। पालक भी हमारी पक चुकी है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। कढ़ाई को चढ़ा दिया है हमने, थोड़ा सा तेल डाल के सरसों वाले तेल में ही बनाना है सब्जी को अपने। थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। सरसों के तेल में सब्जी अच्छी लगती है। जो पनीर हमने काट लिए थे थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करना बेहतर होता है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए। बहुत से लोग पनीर को नहीं फ्राई करते, वैसे डाल देते हैं, लेकिन पनीर को हल्का सा फ्राई कर देना चाहिए, इससे थोड़ा स्वाद अच्छा लगता है। पनीर फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं फ्राई किया, हल्का सा फ्राई किया था। इसको निकाल लेते एक बर्तन में। फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाया है साफ़ करके, इसी में थोड़ा तेल डाल लेते हैं। पालक का पेस्ट रेडी किया था, उसको इसमें जो है फ्राई करना है। सबसे पहले एक चम्मच मेथी के दाने डाल दिए हैं, मेथी के दाने चटकने लगे हैं। इसी में पेस्ट किया हुआ पालक डाल देते हैं। पालक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप पनीर के साथ भी बना सकते हैं इस तरह से फ्राई करके। पनीर नहीं तो आप आलू की भी सब्ज़ी इसी तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका पानी हट जाए। फ्राई हो चुका है, पालक निकाल लिया है। फिर से मैंने जो है कढ़ाई चढ़ाया है तेल डाल के। जो रेसिपी हम बना रहे पालक पनीर की, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। चार चम्मच तेल डाल दिया है बड़े चम्मच से।
तेल थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। ढाबे वाला भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट का भूल जाएंगे, घर में बनाइए इस तरह से, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो बहुत मुश्किल से बनता है, इसको फुल वॉच के साथ ही देखा करिए। काट काट के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा ही देखें। थोड़ा सा हींग डाल दिया है हमने, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच। हींग को मैंने 2 चुटकी डाला है, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 2 बड़े साइज के प्याज बारीक काटा था उसका पेस्ट बना लिया था, उसको भी डाल दिया है। थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक का। थोड़े से मैंने तेज पत्ता लिया है, डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है गोल्डन ब्राउन होने तक का। इसको फ्राई कर लेते हैं, कच्चापन चला जाए इसका। जब भी घर में मेहमान आ जाए आप इसको बना सकते हैं। मसाले जो फुलो के रखे थे उसको भी डाल दिया है, देखिए कितने अच्छे मसाले लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं जला हुआ लग रहा। डायरेक्ट मसाला अगर डालते हैं तो जल जाता है, इस तरह से फुलो के रखें 10 मिनट के लिए, फूल जाता है मसाला, अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया, 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया था उसको बारीक काट लिया। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने काट के डाला है बारीक। छोटा मोटा फंक्शन हो घर में या आपका खुद खाने का मन हो फैमिली वालों को तो आप इसको बनाइए। पालक पनीर बहुत ही हेल्दी रेसिपी तैयार होती है, विटामिन प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ इसमें पाया जाता है, आयरन तो कूट कूट के भरा होता है। अब इसी पोजीशन पे जो है पालक डाल देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करते करते फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। देखिए दोस्तों मिक्स हो चुका है, कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इसको घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलाते ही रहेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इसी पोजीशन पे जो हम पानी डाल देंगे, बहुतों को गाढ़ा पसंद है बहुतों को पतला, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इतना मैंने पानी डाला, इतना पतला हो गया है। जब ये इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तब इसमें पनीर को ऐड करेंगे। देखिए उबाल आने लगा है, इसी पोजीशन पे जो है हम पनीर को डाल देंगे। जब उबाल आएगा तभी डालना है पनीर को, धीरे धीरे डालें ताकि छिट्टी ना पड़े। अब इसको चलाते हुए पका लेते हैं 10 मिनट के लिए, गैस की फ्लेम धीमे रखें नहीं तो जलने लगेगा। पालक पनीर में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। चावल रोटी पूड़ी जिससे भी खाना पसंद करें बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए इसको सर्व करके दिखाते हैं। पालक हमारी पक चुकी है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। न्यू वीडियो आने तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।